अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको आलू के कबाब बनाने की रेसिपी देती हूँ, जो कि मेरी आम रेसिपीज की तरह ये भी बहुत सिंपल और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आपने सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेना है। मैं ऑलवेज अपने आलू बॉईल नहीं करती, मैं माइक्रोवेव में डाल के झटपट इसको कुक कर लेती हूँ। आप भी जस्ट ओनली 10 मिनट्स के लिए आप माइक्रोवेव में डालें और इसको कुक कर लें, सबसे ज्यादा ईजी है और टाइम भी बचेगा आपका। तो उनको मैंने करके तकरीबन मैंने 5 यहाँ पे पोटैटोज लिए थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। बिल्कुल आपके इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। मसालों में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ये मेरे पास क्रश चिली है तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी मैंने कम लिया है, 1/4 टीस्पून, ताकि इसके अंदर इसका कलर जो है, कलर देने के लिए मैंने ये यूज कर रही हूँ। साथ ही मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट भी ऑलवेज अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मैंने 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है वाइट पेपर है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, पाउडर है ये। और ये है मेरे पास चाइनीज सॉल्ट, अगर आप चाइनीज सॉल्ट डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज आप कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं जो इसके अंदर ऐड करूंगी, ये तकरीबन 2 प्याली मेरे पास, ये वाली मैं ऑलवेज यूज करती हूँ, ये मैं दिखा दूं आपको साइज, ये चीज मैंने ली है, ये इसके अंदर डालूंगी मैं। आप कलरफुल भी ले सकती हैं, 2-3 किस्म के कलर में मिलती हैं, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास यही थी, इस वजह से ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये ब्रेड क्रम है, ये होममेड ब्रेड क्रम है, मैंने घर पे फ्रेश ब्रेड लेके और इसको देखे इस तरह ग्राइंड कर लिया। आप भी ऑलवेज इसी तरह किया करें, क्योंकि इससे बहुत ही मजे के हमारे जो कबाब है वो रेडी होंगे। तो सब मसाले मैं इसके अंदर डालूंगी। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ये वाले सारे जो है ये मसाले, ये मैं आपको दिखाए थे, ये डाल दूंगी, ये व्हाइट पेपर मैंने डाली है। कुछ लोगों ने ये कंप्लेन की है कि प्लीज जब आप अपने मसाले डालने लगती हैं तो दोबारा रिपीट किया करें, तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसको। ये मेरे पास सॉल्ट है, ये चाइनीज सॉल्ट है, और ये है मेरे पास चिली, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये चीज, ठीक है। अब इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपने एंड में ज़रूर चेक करना है कि इसके अंदर सॉल्ट की ज़रूरत तो नहीं है, मिर्चें, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अंडा हम बाद में लगा के क्रम लगाएंगे, क्रम लगा के फिर हम इसको फ्राई करेंगे जी। तो मैंने यहाँ पे देखें ये कबाब बना के मैंने रख लिए हैं। ये आलू के जो कबाब है वो 2 किस्म के बनते हैं, एक स्पाइसी होता है जो कि सारी चीजें इसके अंदर ग्रीन डलती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये चीज वाले हैं, इसके अंदर हम ज्यादा मसाला ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर अगर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे 6 मेरे पास पोटैटोस थे वो मैंने लिए, और मैंने 11 कबाब इसके तकरीबन रेडी किए हैं। तो अब सबसे पहले मैं ये करूँगी कि इसको अंडे में डिप करेंगे हम, अंडे में डिप करके, तो आप इसको इस तरह से रखती जाएं ताकि आपका काम आसान हो जाए। उतने कबाब आप निकालें, फ्रीज कर सकती हैं, उतने कबाब निकालें जितनी आपको ज़रूरत है। इस तरह से मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा के और इसको साइड पे रखती जाऊंगी। मैंने ये देखे जितने मुझे चाहिए मैंने उतने इसको लगा के रख लिए, बाकी आप फ्रीज कर लें या जितने भी आप यूज करना चाहती हैं वो तो अपने हिसाब से कीजिएगा। तो बस अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल ये पैन में डाल लिया, ऑयल बहुत ज्यादा नहीं है, हम ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसके अंदर। और पहले शुरू में आप लो हीट रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने चीज डाली है तो वो मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। अगर आप लो हीट पे करेंगे तो थोड़े अच्छे कबाब आपके जो हैं वो फ्राई होंगे। दोनों साइडों से हमने इसको ब्राउन कर लेना। आप देखें कि इसके अंदर मैंने जो फ्रेश ब्रेड क्रम लगाया है उसकी वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, और चीज़ की वजह से ये लाइट लाइट से फूल भी गए हैं। तो बस अब आपने इसको इसी तरह लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा बर्न मत कीजिएगा क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते जले हुए कबाब।
जी नाजीन आप देखिए कि यहाँ पे मैंने कबाब जो है वो रेडी करके रख लिए हैं आप लोग को दिखाने के लिए। आप इसको मिंट चटनी के साथ भी ले सकती हैं और जो मिंट चटनी को आप दही के अंदर ऐड कर दें वो भी आपकी एक चटनी दो किस्म की हो जाएगी और आपके मेहमान भी ज्यादा एंजॉय करेंगे इस किस्म की चीजें देख के। ये देखिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ नाजरीन के आज के मेरे ये कबाब आपको आलू के कबाब बहुत पसंद आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।